नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। विदर्भ के लिए मांग चल रही बहुत दिनों से, और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, बीजेपी का वादा था, बीजेपी हमेशा जो है इस पर आज तक मांग करती आई, कांग्रेस मांग करती आई, तो मेरा मानना है कि विदर्भ को अलग राज्य बना का दर्जा देना चाहिए। ये हमारी आज क्या मुख्य मुद्दे क्या रहेगा आपके आज? नहीं, आज तो देखिए, आज तो शायद हाउस चलने वाला नहीं है। जैसे हाउस चलेगा, मैं इसमें ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा कि विदर्भ को अलग स्टेट राज्य मिलना चाहिए। सत्र जिस तरीके से नागपुर उपराजधानी नागपुर को किया जा रहा है, लेकिन इसके भी सवालिया निशान तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। पिछले 2-4 साल पहले की जो सरकार आई हुई है, जो खुद एक पिछले वक्त में विदर्भ को लेकर मांग किया करती थी, लेकिन इस बार जो मानसून सत्र लिया गया है, वाकई पे एक सवालिया निशान उसके ऊपर लग रहा है। और कहा जा रहा है कि क्या वाकई पे मानसून के जैसे ही, जिस तरीके से मानसून आता है उसी तरीके से बात सुन करके क्या किसानों की बातों को भी मानसून में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ये पुलिस वाले आ रहे हैं, और जो जिस तरीके से विदर्भ को लेकर समर्थन मिली पुलिस वाले आ रहे हैं कि विधानसभा के अंदर अगर विदर्भ की बात नहीं मानी गई, विदर्भ की बात नहीं रखी गई, तो हम इवन विधायक का भी विरोध करेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अफजल फारूकी साहब मौजूद है। अफजल जी, क्या कहना है विदर्भ को लेकर? देखिए, कई सालों से विदर्भ की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी मांग पर चुन कर आई। जब वो सत्ता में नहीं थी तो सत्ता में रहने के लिए उसने विदर्भ का आंदोलन किया। जब सत्ता की प्राप्ति हो गई तो विदर्भ को भूल गए। आज 4 साल हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने विदर्भ के बारे में कभी कोई पॉजिटिव नहीं लिया। चूँकि ये जो मानसून सत्र है, ये भी मजबूरी है, चूँकि मुंबई के अंदर में वहाँ विधायकों का रहने की जगह नहीं है, इसलिए मानसून सत्र यहाँ लिया गया। सर, लेकिन ये हंगामा जिस तरीके से विधान भवन के बाहर करना है, अच्छा है कि विधान भवन में ऑलरेडी बात चल रही है? सारी बातों को लेकर हम लोगों ने कई बार से ये डिमांड किया। विधायक का घेराव किया, लेकिन विधानसभा में ऑलरेडी इस बात की मांग की जाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ आईएन 24।